सागर शहर की ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील की साफ सफाई और झील को संवारने को लेकर नगर निगम के सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में महापौर अभय दरे, कलेक्टर आलोक सिंह, विधायक शैलेंद्र जैन, निगम कमिश्नर, निगम अध्यक्ष समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान शहर के अलग अलग संगठनों के लोग भी बैठक में शामिल हुए। झील की साफ सफाई को लेकर रायशुमारी की गई। बैठक में मौजूद लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और श्रमदान के अलावा कार्य में सहयोग देने की बात भी कही। लगभग 2 महीने पहले से हमने तालाब का पानी निकालना शुरू किया था। हम बताना चाहेंगे कि ये पानी निकालने का क्यों हमने प्लान किया। दरअसल सागर का तालाब का पानी इतना अधिक गंदा हो चुका है, आपने स्वयं देखा होगा, बड़ा बदबूदार और हरे रंग का पानी बन चुका जिससे किस्मान मतलब ये हालत है कि उसमें हाथ भी डालने की इच्छा नहीं होती। 10 सदस्य निगरानी समिति होगी जिसमें विपक्ष के नेता भी उसमें शामिल होंगे, शहर के गणमान्य नागरिक उसमें शामिल होंगे, सामाजिक संस्थाओं के सदस्य उसमें होंगे, व्यापारिक एसोसिएशन के सदस्य उसमें होंगे। लेकिन ये विपक्ष की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, नागरिक की भाषा बोल रहा हूँ कि उनके प्रयासों में हमें ऐसा लगा कि आज जो जिम्मेवार जो सत्ता में बैठे हुए इंसान असरदार या काबिल लोग हैं उनका शायद उन्हें सहयोग नहीं मिलता। धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे भी चरण भाई भी उपस्थित हैं, सांसद यहाँ नहीं पाए, उनके प्रतिनिधि के रूप में है और भले हम विपक्ष में हम सब आपके साथ हैं, लेकिन अगर प्रयास करके हम वो 240 करोड़ की राशि महापौर जी को नगर निगम को आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूरा सागर शहर तालाब के मुद्दे पर उनके साथ है। दलगत राजनीति से उठकर हम सागर के तालाब में एकजुट होकर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। चलो आखिरी चांद की बाजी छोड़ विरक्ति रचाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं। पढ़ी जाती है तभी वह किताब मेरी होती है, बिना पढ़े कोई किताब मेरी होती नहीं है। दो ही तरीके होते हैं, या तो किताब को सुरक्षित रख लिया जाए, उसको पढ़ा ही ना जाए, या फिर किताब को पढ़ा जाए और पढ़ी जाएगी तो मेरी होगी और उसमें वाद विवाद की स्थिति आती रहेगी, यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह नहीं हुआ। तो आज यह समय नहीं है कि हम इस विषय पर जाए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब विषय यह है कि अब सफाई होना चाहिए, तालाब साफ होना चाहिए, उसमें हम क्या योगदान करते हैं इस बात की चिंता होनी चाहिए और उसके लिए हम सब सागर के नागरिकों का एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि मैं अपना कितना योगदान दे सकता हूँ, मैं अपना खुद का कितना बल ले सकता हूँ, कितना धनबल इसमें सहयोग कर सकता हूँ, कितनी जागरूकता इसमें ला सकता हूँ। तो मेरा एक ही सुझाव है कि समस्त लोगों से सब लोगों के चरणों में नमन करते हुए कि आप अपना सहयोग लोट कराते जाए और महापौर जी लोट करते जाए, कौन क्या सहयोग देना चाहता है और किस प्रकार से सहयोग होगा। और मेरी तरफ से 2 ट्रैक्टर की ट्रॉली, जब तक पानी नहीं आएगा तालाब में तब तक के लिए परमानेंट किया जाता है, आप उसको लगा लें, इस प्रकार सब लोग सहयोग दें, ऐसी मेरी आशा है। हम उस पानी को किसानों को दे सकते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इस दिशा में भी अगर आप कुछ पहल कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और रहेगा हमारी तरफ से सहयोग की तो ये जैसी भी मशीन का सहयोग हमारी तरफ से रहेगा, जब तक कमता बरसात का सीजन नहीं आता है तब तक आगे दिन के लिए मशीन नहीं रहेगी। आप सब लोग एक तरफ से काम करें, हम लोग सब लोग आपके लिए पूरा सहयोग करेंगे और जो भी अधिकतम सहयोग होगा। यादव जी ने व्यक्तिगत रूप से और संघ की ओर से जैसा कहा है देख कर ताली प्रदान करेंगे। धन्यवाद। तो डीजल खर्च आपने बोला है वो उसमें से खर्च होगा या निगम देगा? नगर निगम देगा। ये कुछ ऐसा से प्रश्न तो बढ़ गया है, तो लगभग जो जो सीधी ताली है नोट करेंगे, नोट करेंगे, हम सुझाव देने आए हर उस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, उसकी बात पूरी हो गया तो होना चाहिए। हम पत्रकार बंधु अपनी तरफ से ट्रैक्टर ट्राली लगाएंगे, समूह खुद तालाब
पंजाब में जाकर सफाई करता है, ये भी हमारे लिए दुख की बात है। उसके बावजूद भी अगर जो सफाई होती है उस सफाई का मलबा सम्मानी महापौर जी उस दिन आए थे, महापौर जी ने फोन भी लगाया था। 8 दिन बाद अगर 2 ट्राली मलबा, वह मलबा जो तालाब का बेकार वाला मलबा है, वो नहीं उठाया जाता तो दरोगा की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, वहाँ के कर्मचारियों की और 25,000 रुपए चूंकि मैं सहायक अधिकारी का डायरेक्टर भी हूँ, 25,000 रुपए क्रेडिट कब से बाकी जो भी रद्द हुआ डीएल का आप 25 है तो उसका भुगतान हमारी कंपनी करेगी। चाहूंगा जो भी श्रमदान कर रहे हैं उनके लिए मैं पूरी समिति की ओर से 10 फावड़े 10 गहती और 20 तसले मैं अपनी समिति की ओर से चगरा घाट में या जो भुट्टो घाट या कसरिन घाट के सामने है जहां भी आप निर्देशित करेंगे वहां मैं अपनी समिति की ओर से पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सड़कों का चौड़ीकरण था बट पूरे जनप्रतिनिधि पूरी जनता और पूरा शहर एक साथ मिलकर खड़ा है कि नहीं हम आपको समय देंगे वक्त देंगे और बीच में जो तकलीफें आ रही हैं उसको भी दूर करने में हम आपके साथ रहेंगे।